ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह हैं, जिनमें से एक ग्रह है पृथ्वी, और इस ग्रह पे कई सारे जीव पाए जाते हैं, जिनमें से इंसान इकलौता ऐसा जीव है जिसके पास बोलने की शक्ति है। बाकी सारे जीव बेजुबान हैं, जो अपनी तकलीफें बोलकर बयां नहीं कर सकते। लेकिन एक भाषा ऐसी है जिसे ये बेजुबान जानवर अपनी भावनाएं, खुशी और अपने दुख को बयां करते हैं, और वो भाषा है प्यार और अपनेपन की। यकीन मानिए, बहुत ही कम इंसान ऐसे हैं जो ये भाषा समझते हैं और इन जानवरों की तकलीफों को अपना मानकर उनकी मदद करते हैं। आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इन बेजुबान जानवरों की सेवा में समर्पित कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्वप्निल सोनी की, जो मंकी मैन के नाम से देश विदेश में बेहद मशहूर हैं। स्वप्निल सोनी से मंकी मैन की पहचान बनाने तक का सफर स्वप्निल जी के लिए काफी संघर्ष भरा था, और आज इस वीडियो में हम उनकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे दुनिया अनजान है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट ज्योति बारानी। दोस्तों, स्वप्निल जी का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। 14-15 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था, जिसकी वजह से मानो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। स्वप्निल जी की माँ से जब हमारी मुलाकात हुई, तब उनकी कहानी सुनकर हमारा दिल पसीज गया। लोगों ने कहा वासर में जैसे वासर ने कपड़ा करवा देती थी, ये लोगों ने कहती जे आप जमानू ये मारा छोकरा जमाती थी, छोकरा हमारी परिस्थिति बहुत खराब होती ये वक्त, तो अपन आ छोकरो बदा ने छोकरा मैंने बदा ने खबरा बढ़ी घर में रोटली चोरी जाए छाना मनो लई जाए ને કૂતરાને ખવડાવે, તો એ મને હું કદું દુઃખ કે આપણે ઘરમાં જમવાનું નથી, તું ખવડાવે છે કે ચિંતા ના કરતી, દુઃખે થાય છે ને બધું આપણે રાજી પણ થઈ જાય કે ના છોકરો સેવાનું કામ કરે છે ને આપણો, એ જ્યારે એને પડી એને એક્સિડન્ટ થયું ને એને પગમાં સળિયા છે, અત્યારે બે પગમાં હોય ને સળિયા છે, એક્સિડન્ટ થયું ને તો 30 કૂતરાની ગાડી ચડી ગયા હતા, એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને અમે એને દવાખાને લઈ જવા માટે 30 કૂતરા ચડી ગયા અંદર ગાડીને જવાના લે કૂતરા આમ આગળના કસરે ગાડીને એવા કૂતરા બધા ચડી ગયા હતા અંદર, જેવી ગાડી આવીને એને કીધું એને થોડું ખબર પડી ગઈ કે હવે આને લઈ જાય છે, તો બધા ચડી જ ગયા અંદર, પછી આ કામ કરવા જાઉં ને કપડાં વાસણ કરવા તો એ લોકો આપે, સાંજે એ પણ આપે ને સવારે બી આપે, એ બધું ખાવાનું લાવું ને પાછી એ ખાઈ લઈએ, ઘરમાં ખાંડ ત્યાં કશું ના હોય, દૂધના પૈસા ના હોય, કશું જ ના હોય, તો એ મારા છોકરા કોઈ દિવસ કશું બોલે ના, ચલવી લઈ જમવાનું ઓછું હોય થોડું થોડું હોય તો ત્રણે જણા થોડું થોડું લઈ લઈ, પણ એમ ના કહે કે કેમ આટલું છે એવું ના કહે છોકરાઓ, કોઈ દિવસ નહીં, બહુ સંતોષી છે મારા છોકરા તો બહુ સંતોષી છે, ભગવાન મને બહુ મારા દીકરા આપ્યા છે। स्वप्निल जी की माँ को पति के देहांत के बाद घर चलाने के लिए काफी दुख देखने पड़े, लेकिन उन्होंने जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं की। शायद यही वजह है इतने अच्छे संस्कारों के बीच पले बड़े स्वप्निल जी इन बेजुबान जानवरों की तकलीफों को बखूबी समझते हैं, मानो उनसे कोई रिश्ता बन गया हो प्यार और अपनेपन का। कहते हैं कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, हर बड़े बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटे कदम से। जब स्वप्निल जी 18 साल के हुए, तब उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्होंने बेजुबान जानवरों की परेशानियों को और गहराई से समझना शुरू किया। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। 15-20 साल पहले की एक बात है कि मैं सिटी में रहता था, तब मैंने 20-22 कुत्ते पाले हुए थे, तो एक दिन मैं सुबह उठकर देखा तो वो जो कुत्ते पाले थे उसमें से 4 कुत्ते थे नहीं, तो कोई वो कुत्ते को मैंने पोल में ढूंढा के कहाँ है तो मिले नहीं मुझे, फिर मुझे पता चला कि मेरे पड़ोस में ही रहते वह रहने वाले एक पड़ोसी ने म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में फ़ोन करके उनको पकड़वा दिया था, तब मुझे पता चला और तब मैं गया था सुएज फार्म, सुएज फार्म ने मैंने देखा कि बहुत सारे जानवर कचरा खा रहे थे, तब मैंने ऐसा सोचा कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए, इन कपीराजों को आप बिस्किट मत खिलाइए, रोटी खिलाइए, बैगन खिलाइए, आलू खिलाइए या फिर केले खिलाइए, क्योंकि ये बिस्किट के हिसाब से इनके बाल झड़ जाते हैं और मीठी चीज़ इनको नहीं खिलानी चाहिए।
इस घटना के बाद स्वप्निल जी बेसहारा जानवरों को खाना खिलाने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे। जैसे जैसे स्वप्निल जी बड़े होते गए, उनके अंदर का सेवा भाव और बढ़ता गया। छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करके वो अपनी माँ के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी निभा रहे थे। और देखते ही देखते 30 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में आई उनकी लाइफ पार्टनर यानी कि उनकी धर्म पत्नी वैशाली सोनी। दोस्तों, मजेदार बात तो ये है कि स्वप्निल जी ने लव मैरिज की है और कहीं ना कहीं उनकी प्रेम कहानी भी सेवा से ही जुड़ी है। जो शख्स जानवरों की इतनी सेवा करता हो वो इंसानों की सेवा ना करता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बुजुर्ग आदमी के सरकारी कागजात के सिलसिले में स्वप्निल जी जिस दुकान में जाया करते थे, वैशाली जी वहीं काम करती थी और उनकी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। मैं जिस जगह रहता था वहाँ पोल के अंदर एक बुजुर्ग का काम था, थोड़ा पानी नहीं आता था। उनकी फरियाद लेके मैं कॉरपोरेशन के सामने एक छोटी सी दुकान आई है, वहाँ मैं टाइप करवाने गया था। तो बार बार मैं उस दुकान पे जाता था, तब वैशाली वहाँ जॉब कर रही थी, तो मैंने देखा हमारी बातचीत होती थी, फिर मुझे लगा कि मुझे इससे। कहानी सुनाते सुनाते उन दोनों के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी। तो दुकान पे वैशाली वहीं बैठती थी, वहीं जॉब करती थी, तो मैं उसको उसके पहले 3 साल पहले से उसको जानता था। तो मैं उससे बात करना चाहता कि मुझे मेरे साथ शादी के बारे में, मगर मैं डरता था कि इसको बोलूँगा तो ये उसको बुरा लग जाएगा, मेरे साथ बात करने का बंद कर देगी, ऐसा लगता था। फिर भी मैंने एक दिन हिम्मत की, उससे बोला कि मुझे तेरे से शादी करनी, तो वो मान गई। फिर हमने शादी का सोचा। जिस दिन हमने शादी की, सुबह दोपहर को 1 बजे तक हमें नहीं मालूम था कि हमारी आज शादी हो जाएगी। तो शादी करने से पहले मैंने वैशाली को पूछा कि तेरे पास कितने पैसे पड़े, तो वैशाली ने बताया मेरे पास 10,000 पड़े, मैंने जो बचत की है वो 10,000 पड़े हैं मेरे पास। तो मैंने बोला पक्का तेरे पास पड़े, क्योंकि मेरी जेब में उस टाइम सिर्फ 1,250 रुपये पड़े थे। तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास 10,000 रुपये पड़े। तो हमने शादी भी कर ली। शादी के दूसरे ही दिन सुबह उठकर मैंने बोला कि ला 10,000 रुपये, मुझे सब घर के लिए सब ग्रोसरी लानी है। तो उसने तुरंत ही मुझे सोने की चेन दे दी और मैंने उस थोड़ा मुझे उस पर गुस्सा आया कि तूने मुझे यूँ बोला था कि मेरे पास कैश पैसे पड़े और ये सोने की चेन मैं कैसे बेचूँ। तो उसने बताया कि नहीं, अब शादी कर लिए तो फिर ये सोने की चेन बेच लो, आप है तो मेरे लिए तो दूसरी भी चेन ला दोगे। हमने भाग कर शादी कर ली थी और 1,200 रुपये ही थे, पर मुझे पूरा भरोसा था उन पर कि वो मुझे संभाल लेंगे। बाद में काम धंधा चलने लगा था, पहले इतना नहीं था, शादी के बाद चलने लगा था। फिर बाल बच्चे हुए, फिर सबने बोला कि थोड़ी बचत भी किया करो तो बच्चों के लिए आगे काम आएगा। ये बात सही है कि लोगों ने मुझे समझाया था कि ये जानवरों की सेवा अब बंद करो और अपने परिवार के लिए सोचो, मगर मैंने उन लोगों को समझाया था कि जब तक मैं ये सेवा करूंगा तब तक ऊपर वाला मेरे साथ ही रहेगा और कभी भी मुझे बुरे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। तब परिस्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं कुछ मंगवाऊं उनसे और ये मुझे लाकर दे, पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि जब भी मैं उनसे कुछ भी मांगती हूँ तो मुझे लाकर भी देते और जो मैं सोचती नहीं वो भी लेकर आ जाते। दोस्तों, हम सब मामूली इंसान हैं, ऊपर वाले का हिसाब हमारी समझ से कोसों दूर है, लेकिन दुख की बात यह है कि स्वप्निल जी जैसे नेक इंसान को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, साथ ही साथ उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां भी हैं। कोरोना की इस महामारी में डॉक्टर्स ने स्वप्निल जी को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कहा है। स्वप्निल जी की जगह अगर और कोई इंसान होता तो शायद डर जाता, लेकिन स्वप्निल जी का कहना है कि भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता, हर किसी के खाने का इंतजाम भगवान ही करता है। लेकिन हर काम के लिए कोई ना कोई निमित्त यानी कि जरिया होता है। जब तक कपिराज को खाना खिलाने के लिए मैं निमित्त हूँ, तब तक भगवान मेरी सेहत को कुछ नहीं होने देंगे, और यही श्रद्धा के साथ वो कपिराज को खाना खिलाते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं।
मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ। ये ओड़ गांव मेलडी माँ के मंदिर के पास ये कचरा इसके लिए फैला हुआ है कि यहाँ ये पीछे आप देखते होंगे कि पीछे एक मंदिर आया हुआ है। वो मंदिर पे लोग आते हैं और आजू बाजू में छोटे छोटे स्टॉल है जहाँ नाश्ते की लारी होती है, वहाँ से लोग नाश्ता लेके यहाँ बैठ के खाते हैं। दूसरा के जो मंदिर पे आते हैं वो पानी की बोतलें यहाँ डाल देते हैं और दूसरे सब प्लास्टिक और कागज़ यहाँ डाल देते हैं। इसके हिसाब से यहाँ कचरा फैला हुआ था। कचरा कोई भी कागज़ का हो या प्लास्टिक का मत फेंकिए, क्योंकि भूखे जो कपिराज है वो कपिराज ये प्लास्टिक को और कागज़ को खाना समझकर खा जाते हैं और इनसे उनकी मृत्यु भी होती है। और कुछ लोग यहाँ जो है वो प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो जलाते हैं, उनसे पॉल्यूशन भी फैलता है। मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि यहाँ इस जंगल में कचरा मत फैलाइए, ये जंगल जानवरों का घर है। आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ कई लोग दान करके पब्लिसिटी करते हैं, वहीं हमारे इस वीडियो का उद्देश्य पब्लिसिटी हासिल करना नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप आगे आएं और स्वप्निल जी की तरह इस नेक काम में अपना योगदान दें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमने एक पूरा दिन इनके साथ बिताया और देखा सेवा के दिन इनका पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक इसी काम में जुटा रहता है और इनके पूरे दिन की मेहनत का अंदाजा आप इनकी हालत को देखकर लगा सकते हैं। जहां इंसान अपनी बिजी लाइफ में आसपास की ऐसी कितनी ही प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देता है, वहीं स्वप्निल जी जैसे इंसान निस्वार्थ मन से जो सेवा कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और हम ऐसे काम को दिल से सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि भगवान इनके परिवार को ऐसे ही हंसता खेलता और सलामत रखें।